नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे सह सरणी? हो चुका है एसएससी जीडी का आगाज और आपको पता ही है कि लगभग 84,800 वैकेंसीज हमारे सामने आ रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाए साथियों। पूरी टीम के साथ में आपके सामने उतर रहे हैं कुचामन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो चलते हैं अपन, आज कुछ नया लेकर के आपके सामने प्रैक्टिस पेपर जो है रख रहे हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ज़माना जो है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है और थोड़ा सा कठिनाई का स्तर भी पेपर का बढ़ता जा रहा है। आज के 2 साल 3 साल पहले जो पेपर होते थे उनका कठिनाई स्तर बहुत ईजी होता था, आज अभी 2023 के देखते उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। हिंदी के पेपर में बहुत सारी चीज़ें जो है नई जुड़ी है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वाला जो है पेपर आपके सामने रखा है। तो जुड़े रहें दिले तमन्ना के साथ में मेरे दोस्तों, चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है, हर परिवार में और हर समाज में शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार है। तो लीजिए आज का जो पहला सवाल है मेरे दोस्तों, वह क्या है? पहला जो सवाल है वह देखिए अपना कि निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक शुद्ध शब्द है। देखो सवाल क्या है, पहला जो सवाल है वह है निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है पक्ष प्रतिपक्ष। विपरीतार्थक का मतलब हो गया विलोम शब्द। यहां कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखना है कि विलोम शब्द किसका गलत चल रहा है, पक्ष का प्रतिपक्ष, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ण का नरक और सामिश का शाकाहारी। तो देखिए यहाँ कौन सा वाला अशुद्ध है, तो पक्ष का जो है प्रतिपक्ष बिल्कुल सही है। ये तो पहला वाला तो एकदम सही चल रहा है, आस्तिक का नास्तिक भी सही चल रहा है, ठीक है। और जो है स्वर्ण, तो ये स्वर्ण यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, शब्द है स्वर्ग, स्वर्ग होता है स्वर्ग का नरक, ये भी आपके एकदम सही है, छापने वाले की तो मिस्टेक हुई है। लेकिन सामिस और शाकाहारी थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। देखो शाकाहारी किसका होता है, जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी जिस वे में पूछा जाए उसी वे में उत्तर दिया जाना चाहिए। अगर शाकाहारी तो मांसाहारी है, और अगर सामिस है तो निरामिष होना चाहिए, निरामिष, निरामिष, ठीक है। तो आमिष का मतलब होता है मांस, आमिष का मतलब क्या होता है, आमिष का मतलब होता है जो मांस खाता है वो आमिष होता है, उस हिसाब से जो है मांसाहारी का शाकाहारी दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है शब्द उसी वे में नहीं है, इसीलिए जो सर्वाधिक सही उत्तर है वो केवल डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर जो 2 है उसको देखो ध्यान से, कौन सा चल रहा है सवाल। देखो पर्वत, सवाल है पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थी। देखो अनेकार्थी शब्द की बात की गई है, मतलब ये सारे कौन से शब्द के रूप हैं, मतलब यहाँ को एक अनेकार्थी शब्द है जिसका मतलब पर्वत भी होता है, रत्न भी होता है, विशेष भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गिरी नग भास्कर और सारंग। अब गिरी पर्वत को कहते हैं, लेकिन नग, नग का मतलब पर्वत भी होता है, नग का मतलब रत्न भी होता है, नग का मतलब विशेष भी होता है, नग का मतलब सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है, वृक्ष भी होता है। इसका मतलब बी आंसर बिल्कुल सर्वाधिक सही हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हुआ है दोस्तों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलो अगला सवाल जो है वो है हमारा, शुद्ध वाक्यांश। देखो सवाल जो है वो है शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, मतलब यहां पर वाक्यांश दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा शब्द जो है उस वाक्यांश के अनुकूल नहीं है। तो देखो यहां क्या दिया, जो जीता न जा सके अजय बताया है, आकाश में उड़ने वाला खग बताया है, गोद लिया हुआ दत्तक बताया, जो गिरा हुआ हो पतित बताया है। देखो शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया, जो जीता न जा सके, तो जो जीता नहीं जा सके उसे अजय कहा जाता है, अजय जिसे जीत नहीं सकते वो अजय कहलाता है। यहाँ पर अजय दिया हुआ है, इसका मतलब उत्तर आपका ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। पहले देख लेते हैं, आकाश में उड़ने वाला, बिल्कुल जो आकाश में उड़ता है, खय गय, खय का मतलब होता है आकाश, गय का मतलब गमन, जो खय में गय करता है आकाश में गमन करता है वो पक्षी कहलाता है, आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है, पक्षी कहलाता है, बिल्कुल सही पकड़े। गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ जो है वह क्या कहलाएगा, जो गोद लिया होता है वह दत्तक, दत्तक कहलाता है। तो देखो ये भी एकदम सही है,
गोद लिए हुए को क्या कहते हैं? गोद लिए हुए को मेरे दोस्तों दत्तक कहते हैं भाई, गोद लिए हुए को दत्तक कहते हैं। तो बिल्कुल दत्तक वाला भी एकदम सही चल रहा है, दत्तक वाला भी। जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहा जाता है, जो गिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। तो गिरे हुए को पतित कहते हैं। पतित पावन सीताराम, पतितों को पावन कर देते हैं, जो मतलब जो गिरे हुए को पवित्र कर देते हैं, ऐसे है प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो पतित मतलब गिरा हुआ, जो गिरा हुआ हो पतित एकदम सही है। और दत्तक जो गोद लिया हुआ पुत्र रहता है वो दत्तक कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब केवल और केवल ये अजय, अजय गलत है, अजय ही होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल देखो क्या दिया है। ये देखो अगला सवाल है, बुद्धिमान होने पर, बुद्धिमान होने पर गर्व, बुद्धिमान होने पर गर्व करना अर्थबोधक मुहावरा है। मतलब बताना कौन सा मुहावरा ऐसा है जिसका निकलता है बुद्धिमान होने पर गर्व होना। बुद्धिमान होने पर गर्व होना कौन सा मुहावरा है? अक्ल का दुश्मन, अक्ल का पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना और अक्ल का पुतला। तो देखो अक्ल का जो दुश्मन होता है वो तो अपने अक्ल के लिए गलती होता है, तो बुद्धिमान होने पर गर्व वाली स्थिति नहीं है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब ये कहें कि नासमझी का सा कुछ काम करना, मूर्खता प्रकट करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब बिना काम ही जो है केवल सोच विचार करते रहना। लेकिन सही उत्तर क्या हो जाए? अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला है मतलब बुद्धिमान होने पर उसे गर्व है, तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल जो है आपके एसएससी जीडी में आने वाले हैं। हालांकि आज का जो पेपर है वह थोड़ा सा स्तर ज्यादा हैवी है। हैवी इसलिए है कि जमाने के अनुकूल चलना बहुत जरूरी है। जब तक जमाने के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो क्वेश्चन अपन देखते रहेंगे जो आते रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप केवल वहीं तक सीमित होकर के रह जाओगे। थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा जो है क्वालिटी बढ़ा करके क्वेश्चन की और फिर आपके सामने रखा है मैंने। तो देखो अगला सवाल क्या दिया है, ये देखिए मेरे दोस्तों अगला सवाल क्या है। कब हूँ निरामिष होय न कागा, क्या कहा है? कब हूँ निरामिष होय न कागा, कि कागा, कागा कौन होता है? कव्य को कहते हैं कागा। कब हूँ निरामिष होय न, वह निरामिष कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था आमिष या सामिष का मतलब होता है मांसाहारी और निरामिष का मतलब होता है शाकाहारी। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था निरामिष का मतलब क्या होता है, निरामिष का मतलब होता है शाकाहारी, जो शाक सब्जी वगैरह ही खाता है वो शाकाहारी होता है। ठीक है, तो जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है। तो निरामिष एक प्रकार शाकाहारी कह सकते हैं। कौवा जो है कभी भी निरामिष नहीं हो सकता, मतलब वह शाकाहारी नहीं हो सकता, मतलब भ्रष्टाचारी खाएगा, बुरी चीजें खाएगा, मांस आदि खाएगा कौवा। ठीक है, अब इसका मतलब बताना है तो अब आपके सामने अब तो प्रकट हो ही गया होगा। दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आते देखना है और आपको मिलान करना है कि आप जो है कितने में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट अवश्य करना है कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए। 20 सवाल आते हैं, गद्यांश बहुत ईजी आता है, इसलिए मैंने इसमें गद्यांश नहीं लेकर केवल व्याकरण ही लिए, ताकि जो है गद्यांश भी अपन पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्याकरण इसलिए कि आप के ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवाल हो सके। ठीक है, तो दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाता है। दुष्ट अपनी दुष्ट नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, कोए और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। तो क्या बताया, कब हूं निरामिष हो न कागा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसको दुष्टता पढ़ना है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए और कोवे और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। चारों में से सर्वाधिक सही कौन सा होगा? तो देखो क्या बताया, कबहू निरामिष होय न कागा, मतलब कागा मतलब दुष्ट, दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। निरामिष मांस, कौवा मांस खाना नहीं छोड़ सकता, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है। स्वभाव और दुरति क्रम है, मतलब स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है मेरे दोस्तों। तो कवे का स्वभाव भ्रष्टा खाना है और वह कभी छोड़ नहीं सकता, दुष्ट जो है वह दुष्टता कभी छोड़ नहीं सकता। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों क्या दिया है, अगला जो सवाल है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है और आपको पता है जहां पर क्या होगा, ये रे ले और वह होगा, प्लस में इधर क्या होगा, आधा अक्षर होगा,
आधा अक्षर अगर चल रहा है साथ में यरल में चल रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी है? यण संधि है। आप जानते हो शीत प्लस ऋतु, ये देखिए शीत प्लस ऋतु, ऐ के बाद में री है तो ये हो गया अर, ठीक है, इसका मतलब यहां तो गुण संधि हो गई है भाई। षडानन, षट प्लस आनन, षट का मतलब होता है छह और आनन का मतलब क्या होता है? छह है जिनके आनन, आनन का मतलब होता है मुख, छह है जिनके आनन वह षडानन हो गया। तो षडानन कौन हो गया? षडानन हो गया मेरे दोस्तों, षडानन जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहां पर। और देखो ट का ड हो गया, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, इसका मतलब व्यंजन संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, गुरुआज्ञा। अब देखो ये है गुरु और इधर कर दिया मैंने आज्ञा, अब नियम ये है गुरु प्लस आज्ञा, ठीक है। इधर ऊ है और ऊ के बाद में आ भिन्न स्वर है, ऊ के बाद भिन्न स्वर हो तो ऊ का होता है वह, इसलिए ये देखो ये गु रह में से ऊ निकल गया, रह रह गया था आ गया, आधा गु रे वह आ गया शब्द बन जाएगा आपके गुरुआज्ञा, गुरुआज्ञा बन जाएगा। तो इसका मतलब ऊ का वह हुआ है, ऊ का वह हुआ है, और अगर वह बनता है इसका मतलब संधि कौन सी होती है? यन। तो उत्तर हो गया सी, यन संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? गुरुआज्ञा महोदय, महा प्लस उदय ओ एक मात्रा, इसका मतलब गुण संधि। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। एक मात्रा चल रही, इसका मतलब गुण संधि चल रही मेरे दोस्तों, एक मात्रा का मतलब। यहां देखो वह के पहले आधा वर्ण चल रहा है, इसका मतलब यन स्वर संधि यहां हो गई है और यन ही पूछा है, छठे में सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा वाला सही नहीं है ये बताना है, कौन सा वाला संधि विच्छेद सही नहीं है? अभी प्लस शेक, राम प्लस अयन, वी प्लस सम और नी प्लस चय। तो साफ दिख गया होगा नी प्लस चय, क्योंकि नी प्लस चय नहीं होता, नी प्लस चय होता है, इसलिए यहां विसर्ग गायब हो गया है, विसर्ग गायब हो गया, इसका मतलब डी वाला आंसर वो सही नहीं है। अभी शेक क्या बनता है? अभिषेक बनता है, अभी प्लस शेक अभिषेक बनता है, राम प्लस अयन बराबर रामायण बनता है, इस र के कारण इस न का अण हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से वी और सम, ई के बाद में अगर स है तो वो भैसाब षटकोण में बदल जाएगा, विषम, ये स का ये शय हो गया। अरे परिवर्तन का नाम ही संधि है, बदलाव का नाम ही संधि है। निही प्लस चय क्या बन जाएगा? बन जाएगा निश्चय, निश्चय। और इस विसर्ग का क्या बनता है? विसर्ग बनता है जो कि यहां लुप्त है, उत्तर हो गया आपके डी। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, और भाई वीडियो पर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, आपको शेयर करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्तों, मेरे यारों लगे हुए हैं आपके साथ तन मन और पूरी तरह से समर्पण के साथ में, तो हमें भी आपका समर्पण साथ में चाहिए। क्रीड़ा क्षेत्र, देखो क्रीड़ा क्षेत्र जो है दिया हुआ, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास। अब देखो क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, और खेल का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है मैदान, खेल का मैदान। अब आप देखो कि क्या होगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह है और क्रीड़ा का क्षेत्र। तो देखो खेलने के लिए क्षेत्र या खेलने का क्षेत्र क्या होने वाला है ये आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा भाई, खेलने के लिए मैदान होता है, खेल के लिए मैदान, किसके लिए? खेल के लिए मैदान होता है, इसलिए क्रीड़ा के लिए क्षेत्र ए वाला आंसर सर्वाधिक सही है, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होता है, क्रीड़ांगण, क्रीड़ा के लिए आंगन ऐसे। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष चल रहा है। अगला सवाल देखो क्या बताया है मेरे दोस्तों, अगला सवाल ये देखो, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है, क्या बताया है? कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है नील कमल त्रिभुवन आमरण और समाज द्रोही, बताना है दोस्तों कर्मधारय समास को दर्शाने वाला कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में एक और विशेषण होता है, एक और विशेषण होता है और दूसरी ओर विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, विशेष्य प्राय संज्ञा शब्द होता है ना। तो अब देख लो आप, एक तरफ विशेषण एक तरफ विशेष्य किसमें चल रहा है, अब नील का मतलब नीला है और कमल विशेष्य है, त्रिभुवन तीन भुवनों वाला आमरण मरने तक, अब देखो त्रिभुवन है तो तीन भुवन, तीनों लोक है यहां पर, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हो जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाता आमरण में मरने तक, इसका मतलब यहां हो गया आपके अव्ययीभाव समास,
अव्ययी भाव समास हो गया यहाँ पर, समाज द्रोही यहाँ तत्पुरुष समास हो गया है, समाज का द्रोही बचा कौन सा, नीला है जो कमल, यहाँ विशेषता बताई गई है, क्या बताई गई है, बताया गया है यहाँ पर नीला, नीला है जो कमल, जो कमल नीला है वही क्या कहलाएगा, वही मेरे दोस्तों नील कमल कहलाएगा, नीला है जो कमल। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, सर्वाधिक सही है ए आंसर। चलते हैं अगला सवाल की ओर, ये देखिए अगला सवाल क्या है और पढ़ के कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखना है दोस्तों। और भला क्या मांगू रब से, और क्या चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम मिलता रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है, मतलब इन सबको दिखाने वाला उपसर्ग कौन सा है, उप अव प्रति अभी, बताओ नीचे या हीन को दर्शाने वाला। तो उप का मतलब होता है समीप, प्रति का मतलब होता है विपरीत, अभी का मतलब होता है श्रेष्ठ, बचा क्या अव, अवमानना आपने सुना होगा हीन या निम्न होता है, ठीक है, अवमानना वगैरह में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तो अव का मतलब निम्न हीन आदि होता है। अगला सवाल क्या है जो देखो दोस्तों, जो अगला सवाल चल रहा है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा, विदेशी भाषा का उपसर्ग बताया है, ठीक है, पुरस्कार, भर पेट, अध कच्चा, हर रोज, ठीक है, अब कौन सा वाला होने वाला है। अब देखो पुरस्कार तो पूरा है तो जो अपने संस्कृत भाषा में चलता है, भर पेट है ना तो भर जो है वो भी हिंदी में चलता है, पूर्ण भरा हुआ, अब कौन सा बच गया है, ये डी, डी वाला जो है हर रोज है ना, हर रोज हर दम, ये जो है आपके कौन सा है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है, है ना, कम दरना बा बे बदला हर हम खुश विला, इस प्रकार से जो है हर वो है विदेशी भाषा का हो जाएगा। याद करना पड़ता है दोस्तों, ऐसे याद नहीं होते, इनको रटना पड़ता है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुकी है, यदि आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास भी हमारी डिफेंस की ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग आपको पेपर तो सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन आपको और बहुत गजब बहुत कुछ अलग डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अब देखो क्या बताया गया भाई, भाववाचक तद्धित प्रत्यय बताया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय वाला बनाया है पनिहार, धनवान, लालिमा और लकड़हारा। अब देखो इसमें पानी प्लस हार, पानी को ले जाने वाली क्या कहलाती है, पनिहार या पनिहारी, पानी वाली पानी प्या दे, तो यहाँ पानी संज्ञा शब्द है, जबकि ठीक है पानी प्लस हार ये कह रहा है को दर्शाने वाला विकल्प है, किससे, भाववाचक, भाव की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। और भाव किस में है, देखो पनिहारी है ना, तो पनिहार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो जो है संज्ञा वाली स्थिति चल रही है, भाववाचक नहीं है, धनवान आदमी है, लकड़हारा आ गया, लेकिन लालिमा, सी वाला आंसर जो है वो सर्वाधिक सही है, लालिमा एक भाव है, लालिमा क्या है, एक भाव है, इसलिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। इमा वाला प्रत्यय जो है भाववाचक की श्रेणी में आ जाएगा। ये देखो क्या गजब का सवाल आया, एग्जाम में जब ऐसे सवाल आते हैं तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है विद्यार्थियों की, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की हालत कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि हम उनको पूरी तरह से ट्रेन कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। कौन सा शब्द समूह, कमल का, कमल का पर्यायवाची कौन सा था, इसका मतलब अपने को सारे पर्यायवाची याद होने चाहिए। अब अगर देखो एक एक एसएससी जीडी में प्राय एक एक सवाल जो है एक एक उदाहरण वाले ज्यादा आते हैं, लेकिन जमाना बदल रहा, कुछ ऐसा पैटर्न आ गया तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, सब कुछ याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो अंब, उदक, सलिल, यहाँ तो कमल के सारे पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि उदक अपन जल को कहते हैं, कमल का नहीं हो सकता है ना। विषिक, इशु, आशगु, यहाँ पर विषिक जो है वो भी नहीं है, ठीक है। अब अवनी धरती को कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं हुआ है, लेकिन नलिन कमल को कहते हैं, ताम रस कमल को कहते हैं, शत दल कमल को कहते हैं, इसका मतलब डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कौन सा है, डी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही चल रहा है मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं आगे की ओर, ये देखिए अगला जो है सवाल हमारे सामने फिर से आ चुका है, क्या सवाल आया है देखते हैं एक बार, ये देखो चिर और चीर, चिर एक तो चिर है, एक है चीर, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, ये ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो चीर का मतलब क्या हो गया, चीर हरण हुआ था, इसका मतलब उसके वस्त्र का हरण हुआ था, वस्त्र किस में आ रहा है, इस चीर का मतलब वस्त्र यहाँ आ रहा है, और चिर का मतलब होता है लंबे, चिर काल तक बनी रहनी चाहिए दोस्त, मतलब लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए, तो बहुत समय तक ये रहा, इसका मतलब बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। पराकाष्ठा सफेद, पराकाष्ठा चमड़ा नहीं है, सफेद मुस्कान नहीं है, युद्ध काल नहीं है,
चिर का मतलब है बहुत समय तक और चीर का मतलब होता है वस्त्र, इसलिए बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। क्या बात है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल आ गया मेरे दोस्तों, ये देखो मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे सैलो, मेरे गडूर के फूलों और पेपरमैन के टुकड़ों, मेरे कचौरे और कचौरियों, समोसे और इमरतियों, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य अब देखो, जहां जहां गंगा यमुना बहती है वह, जहां और वह देखो दो योजक चिन्ह आए हैं, दो योजक चिन्ह आए, इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि ये वाक्य या तो संयुक्त होगा या मिश्र होगा। निषेध वाचक वाली बात नहीं है, मनाई करने की बात नहीं है, साधारण वाक्य हो नहीं सकता क्योंकि दो वाक्य मिलकर के बन रहे हैं। अब पता लगाना है मिश्र है कि संयुक्त है। तो ध्यान रखो अगर दो अलग अलग टाइप के आते हैं, दो अलग अलग और टुकड़े वाले आते हैं, समझ लीजिए मिश्र वाक्य होता है। इसलिए हाँ, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में टुकड़े वाले आते हैं, ठीक है ना, जो से बनने हुए यद्यपि तथापि, इस प्रकार के मिश्र वाक्य में आते हैं। 15 में आपके आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखो, 15 के बाद में गद्यांश आना चाहिए, लेकिन आज मैंने आपको गद्यांश नहीं दिया है। बीच बीच में अपन गद्यांश भी लेते रहेंगे, इसलिए लेते रहेंगे कि चलो थोड़ा बहुत उसका भी अभ्यास होता रहे। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो नंबर कटने वाली चीजें हैं वो कौन सी है, वो सर्वाधिक व्याकरण वाली है। व्याकरण पर अपने गजब की कमांड होनी चाहिए दोस्तों। चलो अगला सवाल क्या है, देखो, कोस और कोस पर बदले, कोस कोस पर बदले पानी, और चार कोस पर बदले एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। क्या लोकोक्ति है? कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर बदले वाणी। देखो तुकबंदी हो गई है ना, इधर तो हो गया पानी और इधर हो गया वाणी, मतलब हमारे राजस्थान की विशेषता, अपने देश की विशेषता। विशेषता क्या है कि हम एक एक कोस जाते हैं उतने में पानी बदल जाता है जगह जगह का, और जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते इतने में बोलियां भी चेंज हो जाया करती है। चार कोस पर, अब चार कोस मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही जो है वाणी बदल जाएगी, बोले तो जो है बोली बदल जाएगी। भाषा देखो विस्तृत होती है, लेकिन यार चार कोस में बदली, इसलिए बोली इसका सर्वाधिक सही उत्तर है। अगर बोली नहीं होता तो अपन उत्तर भाषा करते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चार चार कोस में बदल रही तो बोली बदलती है। भाषा का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, व्यापक होता है, इसलिए उत्तर भाषा नहीं आएगा, उत्तर आएगा बोली। ठीक है, हाँ, जो भाषा का छोटा रूप होता है उसे बोली कहा जाता है, जो आसपास में स्थानीय रूप से जो बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है, इसलिए उत्तर बोली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो है वो है मेरे दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध आक्षरिक खंड है, ये देखो इनके टुकड़े करना भी आना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी भाई। निम्न में से अशुद्ध आक्षरिक खंड कौन सा है, मतलब गलत जो है आक्षरिक खंड कौन सा है ये बताना है आपको। क और श, क्ष एकदम सही है, त और र बोलो तर र एकदम सही है, और श और र श्र होता है बिल्कुल सही है, लेकिन ग और ये ज्ञ, ये सी वाला आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ग प्लस ये नहीं होता है, ये ज होता है, ज में जब ये मिलता है तब ज बनता है, और हम इसको ज्ञ की तरह बोलते हैं जो गलत बोलते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सी, और इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, इसका टुकड़ा हो जाएगा ज प्लस ये, ज प्लस ये बराबर ज हो जाएगा, है ना। आपको तो ज्ञान ही नहीं है, अपन बोलते हैं ज्ञान नहीं है, गलत बोलते हैं, ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ये एकदम सही है मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल देखो क्या होने वाला है, ये देखो साहब फिर नया सवाल आ गया, तो कैसा लग रहा है पढ़ करके जरूर बताएं। और भाई यदि आपको लग रहा है कि हमें फिजिकल वगैरह सब कुछ तैयार करना है, बढ़िया पेपर धुआंधार तैयारी हो जाए, तो कुचावन डिफेंस एकेडमी कुचावन सिटी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुकेश शर्मा हिंदी लेकर के आपके सम्मुख जॉस क्रॉस के साथ में बढ़िया तैयारी के साथ तैयार हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो देखिए क्या बताया है उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है, ये देखो साहब क्या बताया, उसने लड़ाई की वाक्य में काल का भेद कौन सा चल रहा है, काल का भेद कौन सा वाक्य में बताया, उसने लड़ाई की है, लड़ाई की है ये कह रहे हैं, उसने लड़ाई की, उसके बाद में है फिर लगा, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और कहें कि सामान्य वर्तमान काल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अपूर्ण भू, सॉरी हो जाएगा इसका उत्तर आपके आसन्न भूतकाल, उत्तर हो जाएगा आपके आसन्न। देखो उसने लड़ाई की, यहां अपन देखते हैं उसने लड़ाई की, इसका मतलब ये है कि ये वाक्य है भूतकाल का, ये वाक्य भूतकाल का है। अब मैं यहां अगर है जोड़ देता हूं तो ये वाक्य आपके हो गया वर्तमान काल का, वर्तमान काल, वह वाक्य जो भूतकाल का था लेकिन वर्तमान भी उसमें नजर आ रहा है, इसका मतलब
ऐसा जो वाक्य होता जहां ये दोनों चीजें मिल जाए वो कहलाता आसन्न भूत, मतलब भूतकाल के निकट। आसन्न भूत, आसन्न का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब क्या होता है निकट, जो भूतकाल के निकट है। भूतकाल निकट क्यों है, क्योंकि यहां पर है भी आ रहा है, इसलिए उत्तर हो गया आपके आसन्न भूतकाल। बी वाला आंसर आपके बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो देखिए क्या बताया गया है। ये देखो मेरे दोस्तों, अगला जो सवाल है वह क्या है। हाँ जी, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, रेखांकित पद है। अब देखो सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि, ताकि सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका चयन हो जाए। हाँ, अब देखो यहां पर क्या, तो उसे रेखांकित करना भूल गए हैं, तो चलो अपन ही रेखांकित कर लेते हैं। ये लो ठीक है, ये ताकि सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, रेखांकित पद किस प्रकार का है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या उत्तर होने वाला है दोस्तों जल्दी से। तो देखिए संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जो है वो तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय अलग टाइप के होते हैं। संबंध बोधक कारक भी साथ में आता है। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, का के की साथ में होंगे, का के की के साथ में जो है आपके अव्यय आएंगे। यहां पर ऐसा कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। निपात, निपात किसी बात पर जोर देने के लिए काम में लेते हैं, वो होते हैं ही, भी, तक, तकरीबन, इस प्रकार के जो है वो हुआ करते हैं निपात। तो यहाँ पर निपात भी नहीं होने वाला है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मतलब समानाधिकरण समुच्चय बोधक का मतलब हो गया कि संयुक्त, संयुक्त वाक्य वाले, संयुक्त वाक्य वाले अव्यय, वाले अव्यय, तो संयुक्त वाक्य वाले अव्यय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और एवं, तथा, या, अथवा, आदि, इत्यादि, इसलिए इस प्रकार के अव्यय जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक वाले अव्यय होते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो अब उत्तर बचा आपके उद्देश्य बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो देखो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक यहाँ भी था, लेकिन व्यधिकरण वाला है, मतलब मिश्र वाक्य वाला है, उद्देश्य बोधक है, मिश्र वाक्य वाली स्थिति यहाँ पर चल रही है। उत्तर आपके बी हो जाएगा, ताकि जो है मिश्र वाक्य में आता है और उद्देश्य बोधक होता है। ठीक है, तो ये अलग प्रकार का होता है। मिश्र वाक्य जो है उसमें आश्रित वाक्य चार प्रकार का होता है। ठीक है, चार प्रकार का, कारण सूचक होता है, उद्देश्य वाचक होता है, संकेत वाचक होता है, और भी जो है एक और प्रकार होता है। इस प्रकार से उत्तर बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट सवाल दोस्तों देखो क्या है। अब देखो ये पेपर करने के बाद में आपको पता तो लग ही गया होगा कि भाई साहब सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, गजब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। गजब का नॉलेज होना चाहिए, गजब का नॉलेज होगा तो पेपर कैसा भी होगा उत्तर हमारा ही सही होगा। मैंने कहा ना, इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर कैसा भी हो उत्तर हमारे ही सही होने चाहिए। बस दोस्तों इसी फिराक में आपको लगे रहना है। चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए मेरे दोस्तों अगला सवाल क्या आ गया है। ये देखो जी, गुरुजी आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है अब तो गुरुजी जा रहे हैं। वाक्य गलत बना दिया ऑपरेटर ने, है ना, क्योंकि गुरुजी के जाने का टाइम हो रहा है। गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य ये चल रहा है, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन है। अब देखो गुरुजी अकेले हैं, अकेले हैं, यहाँ तो मामला चल रहा एक वचन का, यहाँ मामला एक वचन का चल रहा है, लेकिन गुरुजी को सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, गुरुजी का आदर करना पड़ेगा। और जब आदर करते हैं तो फिर क्रिया कैसी लगाते हैं, ऐसी स्थिति में क्रिया जो है उसमें बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। किसका करते हैं, बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले एक वचन चल रहा है, उसके बाद में बहुवचन चल रहा है। इसका मतलब एक वचन के स्थान पर बहुवचन आ रहा है, यहाँ एक वचन आना चाहिए था, उसकी जगह क्या आ गया, बहुवचन आ गया। उत्तर सी, केवल एक वचन यहाँ पर नहीं है, बहुवचन भी यहाँ पर नहीं है, एक वचन की जगह है, यहाँ एक वचन आना चाहिए, उसकी जगह बहुवचन आ रहा है, क्योंकि गुरुजी को सम्मान दिया गया, गुरुजी अकेले हैं इसलिए एक वचन होना चाहिए था, लेकिन बड़ों को सम्मान देना पड़ता है कि नहीं है, इसलिए उत्तर हो गया सी। तो दोस्तों कैसा लगा पढ़कर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कितने में से कितने आपने सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलना है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।